Hi all, this is Anjali and welcome to day 17 of our 30-day revision pledge जिसमें हम पूरा का पूरा आईपी का सिलेबस रिवाइज करेंगे. सो वी हैव ऑलरेडी डन अप टू द अदर पार्ट्स एक्सेप्ट पाइथन एंड वी हैव स्टार्टेड विद सीरीज इन पाइथन. सो उसकी आज थर्ड लेसन है एंड टुडे वी विल बी डूइंग कि सीरीज जो हमने बनानी सीखी थी कि कैसे बनाते हैं, अब उसमें से अगर आपको एलिमेंट्स को फेच करना है, यू हैव टू एक्सेस द एलिमेंट्स, तो वो हम कैसे करेंगे. सो बिफोर आई स्टार्ट विद द लेसन आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग विच यू नीड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है, जो भी आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए चाहिए, आईपी हो या सीएस हो, यू विल बी गेटिंग हेयर. और उसके बाद अगर आप आगे बीसीए बीटेक कुछ भी करते हो, सो फॉर दैट प्रॉपर गाइडेंस अलॉन्ग विद प्रॉपर क्लासेस फॉर ऑल कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स यू विल बी गेटिंग ऑन दिस चैनल. Also, you can follow me on Instagram to ask your doubts and the links for the Telegram groups are given in the description below. So, you can join that. I also take live classes on Unacademy. So, you can follow me for live classes over there, right? So, shuru karte hai series. Abhi kya hai humare paas? When we talk about series. So, humne kiya tha ki series kya hoti hai? It is one dimensional arrangement of homogeneous data. ठीक है, मींस अगर एक सीरीज में इंटीजर्स हैं तो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे, अगर फ्लोट्स हैं तो सारे के सारे फ्लोट्स होंगे. और मैंने आपको डिफरेंट तरीके बताए थे कि आप सीरीज कैसे क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, हम लिस्ट से क्रिएट कर सकते हैं, हम डिक्शनरी से क्रिएट कर सकते हैं, हम रेंज फंक्शन को यूज करके भी क्रिएट कर सकते हैं. राइट, सो इफ आई एम राइटिंग इम्पोर्ट पांडास एज पीडी एंड आई राइट S is equal to PD dot series. S capital है series का. और आपने यहां पर fixed कुछ भी list दे दी. Let's say मैंने दे दिया 30, 40, 60, 70. That's it. मैंने कोई index specify नहीं किया. I did not specify any index. और उसके बाद मैंने इस series को print करा दिया. So, what are the indices by default? Write it in the comments, फटाफट. What will be the index by default? आपके पास value store होगी 30, 40, 60, 70. आप मुझे comment में लिख के बताओ कि इनके index क्या होंगे और D type क्या होगा. So by default, what will be the D type and what will be the index? Right? So जब हम इसको print करेंगे, ये print करेगा 0, 30, 40, 60, 70 and then it will print your D type, right? So I'm going to get index as 0, 1, 2, 3. So if index is not mentioned, aap index ko fetch karte ho ya represent karte ho with 0, 1, 2, 3. So by default, index 0 se shuru hote hai. Hum chahe to hum index specify kar sakte hai. Fine. Ab ye index use kahan hota hai? Ye index use hota hai jab aapko individual values ko access karna hai. Jab aapko series mein se ek ek value uthani hai, to aap kaise uthaoge? आप उसे फेच करोगे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स. सो अगर आपको सेकेंड वैल्यू प्रिंट करनी है, आपको ये सारा नहीं प्रिंट करना, यू वॉन्ट टू प्रिंट ओनली द सेकेंड वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे? एस वन. सो इफ आई राइट एस वन, इट विल जस्ट प्रिंट 40. सो इंडेक्स आएगा 1, वैल्यू आएगी 40. ठीक है, एस वन इज जस्ट 1 वैल्यू. सो 0 पे क्या है ये, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये. So, आप सिंगल वैल्यू को फेच कर सकते हो बाय इट्स इंडेक्स. अगर आपने कुछ और इंडेक्स भी दिया होता तो उसको भी हम ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर एक्सेस कर सकते थे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वन मोर सीरीज ओवर हियर, ये बना लेती हूँ पी. सो पी में मैंने क्या लिया है, पी इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज एंड आई हैव लेट्स से 10, 20, 30 एंड मैंने यहां पे दिया इंडेक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड राउंड ब्रैकेट. राइट, सो यू कैन सी द लाइन टिल द एंड. राइट, सो 10, 20, 30 डेटा हो गया और इंडेक्स क्या है, एक्स वाई जेड. अगर तो हम इस पूरी की पूरी सीरीज को शो करेंगे तो वो इंडेक्स वाली जगह पे शो करेगा एक्स, वैल्यू होगी 10. इंडेक्स वाली जगह पे आएगा वाई, वैल्यू होगी 20. इंडेक्स होगा जेड, वैल्यू होगी 30. बट मेरे को यहां पर सेकेंड वैल्यू फेच करनी है. सो इफ आई हैव टू फेच द सेकेंड वैल्यू ओवर हियर, आई विल बी राइटिंग प्रिंट पी एंड स्क्वायर ब्रैकेट में वाई.
ठीक है। सो इंडेक्स चाहे न्यूमेरिक हो, चाहे जो आपने दिया है वो हो, जो भी हो, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। सो वी आर गोइंग टू राइट द इंडेक्स इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, और वो उस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू आपको फेच करके देगा। सो उस इंडेक्स पे पड़ी हुई वाली वैल्यू फेच होगी और शो हो जाएगी, ठीक है। दैट इज हाउ इंडेक्सिंग वर्क्स। सो एक तरीका होता है इंडेक्सिंग जब हम एक्सेस करते हैं, दूसरा होता है स्लाइसिंग। आपको सिंगल एलिमेंट फेच नहीं करना, आपको एक से ज्यादा एलिमेंट्स फेच करने हैं। तो आप एक सीरीज में से एक से ज्यादा एलिमेंट्स भी फेच कर सकते हो, और वो स्लाइसिंग बिल्कुल सेम है जैसे आपने 11th क्लास में लिस्ट या टपल्स के साथ करी है, बिल्कुल वैसे ही स्लाइसिंग यहाँ पे भी होती है। सो स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? फेचिंग सम पार्ट ऑफ योर सीरीज, ठीक है, कुछ पार्ट आपको फेच करना है। तो आप जब फेच करोगे, यू हैव टू प्रोवाइड थ्री थिंग्स इन स्लाइसिंग, मतलब यू कैन प्रोवाइड थ्री थिंग्स इन स्लाइसेस। आप सीरीज का नाम लिखोगे, यू विल गेट स्क्वायर ब्रैकेट। हम बताते हैं शुरू कहां से करना है, कोलन, स्टॉप कहां पे करना है, एंड तीसरी ऑप्शनल है विच इज स्टेप, कितने से इंक्रीज करना है, जैसे रेंज काम करता है। सो यू हैव स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। सो अगर आपने लिखा एस 1:3, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंडेक्स 1 वाली वैल्यू शो होगी, इंडेक्स 2 वाली वैल्यू शो होगी। सो हमारे पास सीरीज में ये था, वो इसको शो कर देगा, 3 इंडेक्स शो नहीं होगा, 3 इंडेक्स शो नहीं होगा, बिकॉज द एंडिंग द स्टॉप इज एक्सक्लूसिव, ये एक्सक्लूसिव होता है, ये कभी भी बीच में इंक्लूड नहीं होगा। और जो स्टेप है वो आपका बाय डिफॉल्ट 1 होता है। सो बाय डिफॉल्ट स्टेप इज 1, सो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, सो जितना भी रेंज दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली वो 1-1 से इंक्रीज करेगा। अगर आप किसी और नंबर से इंक्रीज करना चाहते हो आपको वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 होता है। अब यहां पर स्टार्ट अगर आप ना दो तो ये बाय डिफॉल्ट 0 होता है। अगर मैं शो करती S:3, मैंने यहां पे स्टार्टिंग पोजिशन नहीं दी, ठीक है, क्या लिखा, S:3 स्टार्टिंग पोजिशन नहीं दी, तो क्या होगा, वो जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू को भी फेच करेगा, 1 वाली को भी फेच करेगा, और 2 वाली को भी फेच करेगा, 3 को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूसिव होता है, उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। सो इट विल शो अप टू इंडेक्स 2, क्योंकि 3 एक्सक्लूसिव है। अगर आपने फेच किया होता S:2, 2 से शुरू किया लेकिन एंड नहीं बताया, 2 से शुरू किया एंड नहीं बताया, तो 2 और 3 इंडेक्स वाले शो होंगे। मतलब शुरू 2 से करो, एंड तक जितने भी हैं वो सारे शो कर दो। तो शुरू 2 से किया, 2 पे है 50, 3 पे है 60, सो आगे जितने भी होते हैं वो उनको शो कर देता। सो दैट इज हाउ योर स्लाइसिंग वर्क्स जब वैल्यूज मिसिंग हो, ठीक है। और मिसिंग इसमें क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है कि स्टार्ट और स्टॉप ही मिसिंग हो, ठीक है। आपके पास ऐसे दिया हो S:2, सो S:2 मतलब स्टार्ट नहीं है, स्टॉप नहीं है, 2 के गैप पे जाना है, तो इंडेक्स 0 आएगा, इंडेक्स 2 आएगा, इंडेक्स 4 हमारे पास है नहीं, सो इंडेक्स 4 हमारे पास है नहीं, सो वी विल बी गेटिंग जस्ट 30 एंड 50, सिर्फ इतना आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू स्लाइस। अगर यहां पे लिखा होगा :-1, दैट मीन्स पीछे से शुरू करके आगे तक आएंगे और उल्टे नंबर्स आ जाएंगे। सबसे पहले 3 वाला आ जाएगा, फिर 2 वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला, राइट? जैसे लिस्ट में था बिल्कुल वैसे ही स्लाइसिंग है जैसे आप लिस्ट में करते थे, कोई डिफरेंस नहीं है। आई गेस द बोर्ड इज विजिबल टू एवरी वन ऑफ यू, राइट? सो दिस इज हाउ वी डू स्लाइसिंग ऑन द बेसिस ऑफ 0, 1, 2, 3। अब थोड़ा सा चेंज है जब आप इसको स्लाइस करोगे विद द इंडेक्स, अगर आपने अल्फाबेटिकल फॉर्म में दिए हैं। अगर आपने अल्फाबेटिकल फॉर्म में इंडेक्स दिए हैं, जैसे कि हमारी पी थी, सो पी में अगर मैं लिखती हूं X:Y, तो वो एक्स इंडेक्स को भी दिखाएगा, वाई इंडेक्स को भी दिखाएगा। सो ये फर्क आपको याद रखना है हमेशा, कि जब 0, 1, 2, 3 की फॉर्म में इंडेक्स देंगे तो लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूसिव होगा, लेकिन अगर आप जो लेबल्स हैं उनको दे रहे हो तो ये इंक्लूसिव होगा।
सो इट विल बी इंक्लूडेड, वो बीच में इंक्लूड होगा. डिजिट्स हैं तो एक्सक्लूड होता है, ठीक है, लेकिन अगर कैरेक्टर है तो वो इंक्लूड होता है. आप नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो. सब कुछ वैसे ही काम करेगा जैसे लिस्ट में स्लाइसिंग में काम करता है. और भी एक बेनिफिट है कि यहां हम वैल्यूज को स्लाइसेस में मॉडिफाई भी कर सकते हैं. जैसे आप ये x और y पे 50 पुट करना चाहते हो, सो यू कैन राइट p x कोलन y इज इक्वल टू 50. सो इससे क्या होगा, ये 10 और 20 चेंज होकर 50 हो जाएंगे. सो मैं किसी भी स्लाइस को ओवरराइट भी कर सकती हूँ, मैं सिंगल वैल्यू को भी मॉडिफाई कर सकती हूँ, मैं मल्टीपल वैल्यूज को भी ओवरराइट कर सकती हूँ. इट इज पॉसिबल. क्योंकि काफी लोग आप में से पूछते हो कि मैम आप तो बोल रहे थे कि सीरीज इम्यूटेबल है, तो हम वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं. मैंने आपको बताया कि सीरीज आर डेटा म्यूटेबल, साइज इम्यूटेबल. मतलब आप इसके अंदर एक नया एलिमेंट एड नहीं कर सकते, आप एग्जिस्टिंग सीरीज में से एक एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते. सो यू कैन नॉट एड अ न्यू एलिमेंट, यू कैन नॉट रिमूव एन एलिमेंट. लेकिन जितने एलिमेंट सीरीज में बने हैं उतने ही रहेंगे, उनकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो. यू कैन मॉडिफाई द वैल्यूज. तो ये आपको कहां काम आते हैं, आउटपुट क्वेश्चन में. सो आउटपुट क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाता है कि ये सीरीज है, ये स्लाइस किया है, बताओ आउटपुट क्या आएगा. सो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि स्लाइसिंग आउटपुट में कैसे यूज करनी है, ठीक है. सो ये तो मैंने आपको बता दिया ब्रीफ क्या होता है, कैसे कैसे हम स्लाइसिंग करते हैं. ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आई टेक लाइव सेशंस एवरी डे ऑन अनअकैडमी 2 to 3 PM, ठीक है. ऑलमोस्ट रोज होता है, कभी कभार कैंसिल होता है तो मैं बता देती हूँ. बट वी ऑलवेज हैव, मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन ज्वाइन दैट, जहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे. टाइम टू टाइम आई ओपन इट फॉर मैसेजिंग, ताकि आपके जो डाउट्स हैं आप मुझसे वहां पूछ सको. एंड वी ऑलवेज हैव दैट लाइव सेशन विच इज फॉर फ्री. सो लाइव सेशन इज फ्री, यू कम ज्वाइन इट, आस्क योर डाउट्स एंड प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, राइट. आई होप जो मैंने इसमें बताया ये आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे व्हाट आर द ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस प्लस सम अदर ऑपरेशंस जो हम सीरीज पे कर सकते हैं. एंड देन I will be taking a practical session to show you how to do all that on the series in PyCharm, right? In any case, you have any doubts, feel free to write in the comments. Agar doubts nahi bhi hai, to just say hello, thank you, whatever you want to write in the comments. Do give a thumbs up, share the video with maximum of your classmates, batchmates, juniors, jinko aage chaake kaam aa sakta hai. We have reached 50K milestone. Thanks to all of you. I'm looking forward to go ahead very far. So let's see how the journey goes, and by the time I upload more, you should keep watching, keep learning. Thank you.